बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप तो बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपने देखे अब वो कर ली रेसिपी, तो आज मैं रेसिपी शेयर करूँगी मज़ेदार से और अच्छे से। हम इजी सैंडविच कैसे बना सकते हैं। ये सैंडविच बहुत मज़े के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे बड़े से सब शौक से खाते हैं। तो देखते हैं हमें सैंडविच बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो चले आए देखने। ये सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमने ब्रेड्स ले लिए हैं, और ये हमने कुछ वेजिटेबल ली, जिनके अंदर ये खीरा है, और ये एक अदद मीडियम साइज का प्याज लिया था, और ये एक अदद मैंने टमाटर लिए थे, इन सबको मैंने चॉप कर लिया था, और ये चार अदद मैंने कबाब दिए हैं जो सैंडविच बनाने के लिए हमें काम आएंगे, और ये कुछ अंडे हैं, इसको भी हम ऐड करेंगे सैंडविच में, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अंदर जो है कुछ सॉसेज की ज़रूरत होगी, जिसके अंदर मैंने केचप और मायोनीज दी है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। और तो ये तवा रख दिया हमने और फ्लेम ऑन कर लिया। इसके ऊपर हम एक चम्मच घी डालेंगे। देखें इसका मेल्ट होने का वेट करते हैं। ये देखें ये मेल्ट होता है, तो इसके अंदर हम अपने कबाब फ्राई करेंगे। इस तरीके से हमने कबाब फ्राई करने हैं। पहले एग में हमने डिप करना है और फिर फ्राई कर लेंगे इसे अच्छे तरीके से। बाकी ये कबाब भी इसी तरीके से फ्राई होंगे। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर लेते हैं, तो फिर हम इनकी साइड तब्दील करते हैं। अच्छे तरीके से हमने चल के आँच पे फ्राई करना है। ये देखें अब साइड चेंज कर लेंगे, एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें कबाब फ्राई हो भी गए हैं। ये कबाब जो बहुत जल्दी और झटपट बन जाते हैं। अब हम ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको साइड पे कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अपने अंडे बना लेंगे जो हमने ऐड करने हैं। इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए उतार लेंगे हम। ये देखिए ये एग हमारा फ्राई हो चुका है। अब बाकी के भी फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए अब इसी तरीके से आप अपने बाकी के एग भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये भी फ्राई हो चुका है, अब बाकी के भी फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से बिल्कुल। फिर जब ये सारे फ्राई होते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए ये एग भी फ्राई कर रहे हैं। अब इसकी भी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए तीन एग जो हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो जब ये सारे फ्राई हो जाते हैं तो हम सैंडविच बनाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए ये भी फ्राई हो रहा है, ये एक साइड से फ्राई होता है, इसकी साइड तब्दील करेंगे। इसको भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे ब्रेड्स को। देखिए गाइस हमारे ब्रेड फ्राई हो गए। ये देखिए हमारे ब्रेड जो है फ्राई हो चुके हैं।
अब हम सैंडविच बनाने की तैयारी करते हैं। गाइस ये देखिए कबाब भी फ्राई हो गए हैं, एग भी फ्राई हो गए और ये ब्रेड्स भी। हम बनाते हैं अपने सैंडविच। सबसे पहले हम ये केचप डालेंगे इस पे। डाल दिया हमने केचप। अब इसे हम चम्मच से स्प्रेड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इस पे वेजिटेबल लगाएंगे कुछ, जिसमें मैंने प्याज ली है, ये अब हमने ये कबाब रख दिया इस पे, टिक्की रख दिया अपने। गाइस इसमें हम अनियन लगाना भूल गए थे तो फिर अनियन ऐड कर रहे हैं। इसे भी स्प्रेड कर लेंगे। गाइस अनियन से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं हमारे सैंडविच, आप लोग जरूर डालेंगे। ये देखिए ये हमने कबाब डाल दिए हम, और ये जो कबाब में है ये आप लोग फ्रीज़र भी कर सकते हैं, शामी कबाब किसी टाइम भी आप लोग दिल करे तो आप लोग झटपट से ये सैंडविच बना सकते हैं। अब हम ये खीरे लगाएंगे और इसे स्प्रेड कर लेंगे कबाब को। अब हम खीरे लगा लेंगे। गाइस आपके आपको जो भी आप पसंद हो वही वाला है, आप वेजिटेबल डाल सकते हैं, हमने तो अनियन और खीरे डाल दिए। अब हम अंडा डालेंगे इस पे। देखिए हमने गाइस ये देखें, ये अब हम इस पे भी अंडा लगा लेंगे, अंडा डालेंगे और इस पे भी अंडा लगा देंगे। देखें अब इसके बाद मायोनीज की लेयर लगाएंगे हम। आप लोग मायोनीज केचप जो है ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो इतना आप लोगों को पसंद हो। इसे भी स्प्रेड कर लेंगे हम अच्छे तरीके से। टमाटो ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए अब इसे भी हम टमाटर लगा लेंगे। अब हम इसके ऊपर ब्रेड लगा देंगे। सैंडविच तैयार हो गया हमारा। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने देखे सैंडविच के शेप दे दिए। ये देखिए ये इसकी कटिंग कर ली हमने, अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए कटिंग हो गई है, अब इसकी भी हो जाएगी ऐसी। ये कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए ये देखिए सैंडविच जो है कम्प्लीट हो गया। अब डिश आउट कर रहे हैं हम इन्हें। देखिए डिश आउट कर दिया हमने। गाइस देखिए ये देखिए डिश आउट हो गए हैं सैंडविच। गाइस ये देखिए हमारे सैंडविच कितने अच्छे तैयार हुए हैं। ये देखिए
ये देखिए गाइस ये डिश आउट हो गए हैं, देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत कितने मज़ेदार तैयार हुए हैं। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, देखिए। और ये रेसिपी बहुत ईजी और बहुत झटपट बन जाती है जैसे मैंने आप लोगों को सिखाई है। तो देखिए मैंने कितनी आसान से और कितनी मज़ेदार से आप लोगों को सैंडविच बनाना सिखाई है। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा इसे घर पर बना के, मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये सैंडविच आप लोग सैंडविच की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और आप लोग लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें वो कर लीजिए रेसिपी को, और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए ये हमने सर्व भी कर दिए हैं, आप हमें इस तरीके सर्व कर सकते हैं इसको। ये देखिए एक साइड हमने केचप रखा है, ये सैंडविचेस हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।